ये टोपी का प्राइस है 100 रियाल भाई लगा के। वो गाड़ी है इनका माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वेलकम बैक दोस्तों। अभी मैं मौजूद हूँ अल राजी मस्जिद के पास में, 15 नंबर एग्जिट। यहाँ पर जो है ना कुछ अजान हो रही है, मैं जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर कुछ रशिया के लोग जो है शॉप लगाए कपड़ों की, वो आपको बताऊंगा। उसके बाद हम चलते हैं नमाज पढ़ने अल राजी मस्जिद में, जनाजे की नमाज। ये देखो भाई, रशिया वाले जो है अल राजी मस्जिद के पास में शॉप लगाए रशिया से। ये लोमड़ी की खाल है, लोमड़ी का छेना है, देख सकते हैं इसकी नाक के साथ में है। बाकी का ये पूरी इनकी शॉप है। देखो मैं गाड़ी देख के पहचाना ये रशिया की है बोल के। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये देखो रशिया में जो जो इस्तेमाल होता है ना, सर्दी बहुत होती है रशिया में, इसकी वजह से जो रशिया में कपड़ा इस्तेमाल होता है वो सारा यहाँ पर लगाया हुआ है शॉप्स। ये देखो ये मोजे है, ये कैप है, टोपी। ये देखो इस तरह से रशिया में पहनते हैं। ये शॉप है यहाँ पर पूरी। ये टोपी का प्राइस है 100 रियाल भाई, 100 रियाल में कमियों में के। ये लोग 10 दिन ये अल राजी मस्जिद के पास में शॉप लगा के है। देखो यहाँ पे कैंप वगैरह लगा के। वो गाड़ी है इनका माशाल्लाह। और ये अभी यहाँ से फिर मक्का जाएंगे, मक्का में शॉप लगेगी इनकी। अच्छा होता है आधा कम 50 40 रियाल में लास्ट। हाँ तो उशू फॉर ईद ओके कम आधा थला 3 रियाल। अच्छा अच्छा ये अंडे है भाई, ये फिश मच्छी के अंडे है ये। ओके ये पूरा देखो रशियन क्लॉथ्स का शॉप लगा हुआ है यहाँ पे, जैकेट्स वगैरह 30 रियाल 40 रियाल। ये देखो यहाँ पर माशाल्लाह। दस दिन यहाँ पर रुकेंगे ये लोग, 10 दिन पूरा वही है। छोटे बच्चों के भी है देखो यहाँ पे। शहद भी बेच रहे हैं ये लोग, ये है शहद। ये गाड़ी में ये सामान पूरा लेकर के आए ये लोग। ये मेरे को थोड़ा कमाल का दिखा है। अरबी बात करते हैं लोग, थोड़ा बहुत अरबी बात करते हैं। ये बहुत अच्छा है। अच्छा ये कौन पहनता है आपको पता है? ये लेडीज के लिए है देखो पूरे। ये पूरी शॉप लगी हुई है, थोड़ा महंगा रहता है ये, क्योंकि ये जो शीप होता है उसके चमड़े से। और ये इसको पहचानो आप, इसको क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी अच्छा होता है पूरा। ये ओरिजिनल चमड़े से बनाए हुए चीज़ें हैं पूरी। 10 दिन तक ये यहाँ पे रहेंगे। ये इनका गाड़ी है रशिया का, और ये अल राजी मस्जिद के पास में 10 दिन तक इधर ही रहना है इनका। इसके बाद फिर ये लोग मक्का शिफ्ट हो जाएंगे माशाल्लाह।
माशाल्लाह क्या गाड़ी है माशाल्लाह। स्कूटी पे हैंगर स्टेशन चल रहा है भाई साहब का, ये सुपर सुपर। हलराजी मस्जिद से तो आ गए हम, लेकिन वहां पर बोलना मैं भूल गया, हम लोग असर की नमाज में 16 जनाजे पढ़े। 16 जनाजे में से 3 छोटे बच्चों के थे और 5 जो है औरतों के थे और बाकी के जो है रज्जाल यानी आदमी लोग थे। तो पूरे 16 जनाजे हम लोग पढ़े और पूरा रियाद में असर की नमाज में पूरा रियाद में लगभग 41 जनाजे पढ़े गए पूरे रियाद में। कफील के पास मैसेज आता है फ़ोन में तो उनको पता चला। अब उसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 कम ज़्यादा हो सकते हैं। और बाकी का आपने देखा होगा यार, रशिया से आए हैं वो। रशिया किधर है रशिया? यहाँ से रास्ता तो नहीं बता रहे। तुर्की अगर चले जाएंगे तो तुर्की से रशिया जा सकते हैं, लेकिन रशिया से यहाँ कैसे पहुँचे यार? ये लोग यहाँ पर आके कपड़े वो सेल कर रहे हैं, वो जैकेट वगैरह जो सर्दी के होते हैं। अभी सर्दी यहाँ पर एंड पे है, फिर भी लोग शौक से खरीदते हैं वो जो लोमड़ी का वो स्किन जो है ना, लोमड़ी का ही है ना वो। तो अच्छा लगा वो लोगों की शॉप देख करके। और वहाँ पर जो मैं बताया हूँ आपको, वो मछली के अंडे है। मैं लास्ट 2 दिन पहले एक वीडियो देखा था, उसमें बता रहा था कि वो मछली के अंडे जो है ना बहुत कीमती होते हैं, तो वो सिर्फ 30 रियाल में अपने को दे रहे थे, लेकिन मैं लिया नहीं और मेरे पास कैश भी नहीं था और उनके पास शबका नहीं है क्योंकि वो रशिया से आए हुए हैं तो उनको कैश चाहिए ना। तो चलिए भाई, छोटा सा वीडियो था आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। बाकी का शब मेराज के बारे में, माशाल्लाह शब मेराज मुबारक हो आप सब लोगों को। इंडिया में तो जो है ख़ास मनाया जाता है, जैसे मस्जिदों में जाग के जो है नमाज पढ़ते हैं, या सऊदी अरब में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जाग के नमाज़ पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं। ईशाई की नमाज के बाद जो है बाकी का जो अगर जिसको इबादत करना है वो अपने घरों पे कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा ही होता होगा, मैं जब से हूँ सऊदी अरब में शब मेराज शब खदर ख़ास मनाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन रमज़ान के जो लास्ट के दो जो 10 रोज़े होते हैं वो 10 या 9 रोज़े जो है रात में इबादत करते, यानी 1 बजे से तहज्जुद की नमाज का टाइम होता है ना, वो टाइम पे जो है नमाज पढ़ी जाती है यहाँ पर। ठीक है, चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।